देश के प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड आएंगे और जमशेदपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित सभा में शामिल होंगे। इस दौरान उनका रोड शो भी होगा। पीएम झारखंड में लगभग 6 घंटे रहेंगे। पीएम रविवार को सुबह 8:45 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। उनके कार्यक्रम के पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 14 सितंबर यानी कि आज झारखंड पहुंच चुके हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं इन तमाम खबरों को लेकर जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। जी इंद्रजीत, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं और 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी देंगे, तो ऐसे में लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? यशस्वी बता दें कि ये उत्साह जो है आज देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से जमशेदपुर के लोग काफी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री जमशेदपुर आएंगे और आजादी से अब तक लेकर पहली बार टाटा नगर जंक्शन जाएंगे और वहीं झारखंड के इतिहास में जमशेदपुर में पहली बार वो रोड शो भी करेंगे। तो ये 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ है। सबसे पहले वो टाटा नगर जंक्शन जाएंगे और वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। उसके बाद कई हजार करोड़ के जो योजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वोल्टास बिल्डिंग से लेकर के जमशेदपुर बिष्टपुर रिगर ग्राउंड तक वो रोड शो भी करेंगे और रोड शो के बाद एक कार्यक्रम जो है चुनावी कार्यक्रम कह सकते हैं इसे, वो आम सभा के रूप में रिगल मैदान में करने वाले हैं। तो ये 3 कार्यक्रम एक साथ एक दिन करेंगे, जिस जहां लगभग 10 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट उतरेंगे और 10:15 पे वो हरी झंडी ट्रेनों को दिखाने वाले हैं। इस तरह से लगातार कार्यक्रम बनी हुई है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसको लेकर के SPG जो है पिछले 3 दिनों से पूरे पूरे जमशेदपुर को अपने कमांड में ले लिया है। खास करके टाटा नगर रेलवे स्टेशन और बिष्टुपुर मुख्य मार्ग से लेकर के गोपाल मैदान देखा यह भी जा रहा है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी सुरक्षा की जो मापदंड है उसको ना देख रही है और तमाम जो रूट है उसको सुसज्जित कर रही है ताकि कोई चूक ना हो जाए। वहीं लगभग 12 IPS और 14 IAS डिपोर्ट किए जा रहे हैं। वही 39,000 जवानों को इस कार्यक्रम में लगाया जाएगा। जी इंद्रजीत, ऐसी भी जानकारी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी झारखंड दौरे पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि प्रदेश स्तर से लगभग नेता जो है तैयारियों में जुटे हुए, खास करके बाबूलाल मरांडी हो या फिर चंपाई सोरेन हो या फिर अर्जुन मुंडा हो। आज जो है रेल मंत्री का शाम में आगमन होना था मगर किसी कारण से उनका जो है कार्यक्रम कैंसिल हो गया है और वो जमशेदपुर नहीं आ पहुंचे हैं। हो सकता है कि कल मोदी जी के साथ वो जमशेदपुर पहुंचे और तमाम जो कार्यक्रम है साथ साथ उनका चलता रहे। तो फिलहाल जो है रेल मंत्री यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। शायद हो सकता है कि मौसम में एक कारण रहा हो मगर जो गोपाल मैदान में मोदी जी का कार्यक्रम होना है वो कुछ दर्शाता है। वो बताता है कि झारखंड में आगामी 2024 का चुनाव होना है और इसकी वो तैयारी जो है बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। कारण की जो राजनीतिक में तब्दीलियां दिखाई दी है, जो चंपाई सोरेन BJP में आए हैं और कोल्हान की 14 सीटों BJP के हाथ से जो निकल गई है उसको फिर से वापस BJP में लाने की बड़ी तैयारी है। और यही कारण है कि आज बाबूलाल मरांडी जो है प्रेस वार्ता में खुले तौर पे बताते हैं कि किसी तरह से 2024 में सरकार बनानी है तो सरकार बनाने की जो बड़ी कवायद है वो कल दिखाई पड़ेगा। मोदी जी जाहिर सी बात है अपने जो नेता है उनको राजनीति के गुणमंत्र तो देंगे ही, साथ ही विपक्षियों पे निशाना भी साधेंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे, साथ ही क्षेत्रीय पार्टी JMM पे भी निशाना साधेंगे। अब देखना होगा कल 10 बजे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जमशेदपुर पहुंचते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद वो जाते हैं टाटा नगर स्टेशन, उसके बाद तमाम कार्यक्रम को कैसे कैसे कितने बजे तक किया जाता है। जी इंद्रजीत, आपने मौसम की बात की और झारखंड में अभी मॉनसून सक्रिय है तो ऐसे में बारिश को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है? बता दें कि पक्का पंडाल बनाया गया है और पक्का पंडाल के साथ साथ जो ऊपर की जो ये है वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाई गई है। कार्यक्रम पे तो इसका असर नहीं होना है मौसम का मगर रोड शो पे इसका सीधा सीधा असर होगा। कारण कि ओपन है और लगभग 1 किलोमीटर का ये रोड शो है तो अगर बारिश इस तरह से होता रहा तो शायद रोड शो को कैंसिल करना पड़े मगर टाटा नगर स्टेशन पे जो कार्यक्रम है वो होगा। कारण कि वहाँ पक्का पंडाल बनाया जा चुका है। रिगल ग्राउंड में जो कार्यक्रम होना है, आम सभा होनी है, वो 100% होना है। तो ये 2 कार्यक्रम तो होंगे ही मगर रोड शो पे हो सकता है उसमें पानी फिर जाए। कारण कि जो बंगाली खाड़ी से जो साइक्लोन है वो बताता है कि लगभग 1-2 दिनों तक इसी तरह से पूर्वी सिंहभूम का मौसम बना रहेगा
और अब फिलहाल भी बारिश हो रही है, बीते रात से लगातार बारिश हो रही है और कल भी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से कार्यक्रम पे ज्यादा असर नहीं पड़ना है, एक कार्यक्रम रद्द होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, वो कार्यक्रम है रोड शो। कारण की रोड शो वही कार्यक्रम है जो कार्यक्रम जमशेदपुर में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य है, रोड शो से वो हाथ हिला के बता देंगे कि कोल्हान के 14 सीट हमारा है और इसी रास्ते पे बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो चलेंगे। चुनाव का लगभग 2-2.5 महीना बचा है। बिल्कुल इंद्रजीत, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव में बहुत कम समय बचा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा चुनाव में क्या कुछ प्रभाव डाल सकता है? जाहिर सी बात है, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, बड़े नेता का कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम होता है, तो एक तो योजनाओं का जो शिलान्यास है वो तो सरकारी कार्यक्रम है, निरंतर चलता रहता है, मगर एक जो बड़ा कार्यक्रम होना है गोपाल मैदान में, वो साफ संकेत देता है कि प्रधानमंत्री का कोल्हान में आना मतलब 14 सीटों पे बीजेपी की मोहर लगाने के बराबर है। वैसे भी बीजेपी अपना काम जो है वो कर चुकी है, उनकी जो रणनीति है वो लगभग लगभग तैयार हो चुकी है। जो आदिवासी क्षेत्र है कोल्हान के, उन क्षेत्रों में चपाई सोरेन का अपना एक पकड़ है, उनको अपने खेमे में ला चुके हैं, तो ऐसे में राजनीति में लगभग लगभग सफल दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो बाकी बची उनको कैसे बीजेपी के साथ जोड़ना है, कारण कि अब तो वो वोटर थे, चंपाई सोरेन के साथ थे और जेएमएम के निशान पे वो मोहर लगाते आए थे, मगर बीजेपी के कमलपुर पे कैसे मोहर लगाएंगे, इसकी जुगाड़ जो है प्रधानमंत्री आकर करेंगे। और यही कारण है कि चुनावी इस वर्ष में प्रधानमंत्री का आगमन सीधे सीधे चुनाव के साथ लोग जोड़ के देख रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि झारखंड के जमशेदपुर में भले प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोल्हान के सीटों पर उनकी भले ही नजर है, मगर झारखंड की सिंहासन पे भी उनकी नजर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी कीमत पे इस बार जो है बीजेपी का कमल फूल जो है झारखंड में खिलना चाहिए और झारखंड के 81 सीटों पे बीजेपी की जीत होनी चाहिए। जी बिल्कुल इंद्रजीत, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।